हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में दोस्तों इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग बात करने वाले एक दम ब्रांड न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है घर्षण हालांकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टॉपिक है और एक दिन में खत्म नहीं होगा इसको बढ़िया से डील करना पड़ेगा अच्छे से सीखना पड़ेगा बट हाँ यह है कि इसके बारे में जो भी बेसिक बातें वो सारी आप जान जाओगे आज तो शुरुआत करते हैं वेरी गुड इन टू ऑल ऑफ यू सभी को नमस्कार राम राम सलाम वालेकुम यू सस्काल फील कनेक्टेड विद लेट्स गेट स्टार्टेड प्यारे बच्चों सबसे पहले इस बात को समझें कि घर्षण है क्या एक सेकेंड हाँ जी चलिए तो घर्षण क्या होता है देखो घर्षण जो है ना वो अपने आप में एक संपर्क बल है तो सबसे पहले इस बात को लिखें अपनी कॉपी में अपने कमेंट सेक्शन में कि घर्षण अपने आप में एक संपर्क बल है जब तक दो वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं आएंगी तब तक घर्षण लग नहीं सकता तो घर्षण के लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है संपर्क कॉन्टैक्ट इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं कि ये अपने आप में एक कॉन्टैक्ट फोर्स है अब घर्षण की कहानी समझाने के लिए ना मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ ताकि आप फील कर सकें कि घर्षण है क्या देखो आपके घर में हमेशा एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको आप हमेशा से खिसकाना चाहते हो उसकी जगह से मान लो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को आप इसकी जगह से हटाना चाहते हो बचपन से ही जब आप छोटे थे तब से अब आपके साथ क्या क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ जब आप बिल्कुल छोटे थे जो आपका साइज़ बहुत कम था आप जब घुटने के बल चलते थे उस टाइम आपने इसके ऊपर बल लगाया ताकत लगाई आपने इसके ऊपर कि ये खिसक जाए बट पता है क्या हुआ ये किसका नहीं घर में हमेशा एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको आप बचपन में नहीं हिला सकते मान लो कोई बक्सा हो सकता है या मान लो कोई टेबल हो सकती है कोई चेयर हो सकती है तो आपने जाकर के क्या किया कि उस चेयर को खिसकाने की कोशिश करी उसके ऊपर ताकत लगाई तो जब आपने उसके पास ताकत लगाई तो वो ऑब्जेक्ट वो वस्तु हिली नहीं क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअल में मान लो आपने उस ब्लॉक के ऊपर ताकत लगाई पाँच न्यूटन मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पाँच न्यूटन का आपने बल लगाया अगर आपने पांच न्यूटन का बल लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है घर्षण बल भी लगा होगा घर्षण बल हमेशा दो चीज़ों से लगता है एक तो वो तब लगता है जब सापेक्ष गति होने की प्रवृत्ति होती है या फिर वो तब लगता है जब सापेक्ष गति हो रही होती है मैं आपको समझाऊँगा तो जब आपने उसके ऊपर पाँच का बल लगाया तो घर्षण बल आपके बल के विपरीत लगा और वो भी कितना लगा पाँच क्योंकि तो आपको पता है अगर एक वस्तु नहीं चल रही है इसका मतलब यह है कि उस पर लगने वाले जो नेट बल है उसके ऊपर लगने वाले जो नेट बल है वो शून्य है उसके ऊपर नेट बल शून्य लग रहा है तभी अपन बोल सकते हैं कि वस्तु नहीं चल रही तो पांच न्यूटन का बल आपने इधर से लगाया वस्तु में घर्षण बल भी कितना लग गया पांच न्यूटन का तो मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा एक ग्राफ के जरिए दिखाऊंगा मैंने इस ग्राफ में यहां पे लिया आरोपित बल और यहां पर मैंने लिया घर्षण बल ठीक है चलो देखना तो आपने पांच न्यूटन का बल लगाया घर्षण बल भी कितना लग गया पांच न्यूटन आपने कहा यार ठीक है नहीं खिसक रहा है कोई बात नहीं दूध पी के आप और बड़े हो गए मान लो अब आप थोड़े से और बड़े हो गए आपने और बड़े होकर के आप गुस्से में गए बॉक्स के पास और आपने बॉक्स पे बल लगाया इस बार ज्यादा दस न्यूटन का बट आप क्या देखते हो मायूस हो गए इस बार भी नहीं खिसका वो इसका मतलब क्या हुआ जब आपने 10 न्यूटन का बल लगाया तो घर्षण बल भी इस तरफ कितना लग गया 10 न्यूटन के बराबर मतलब हो क्या रहा है हो ये रहा है कि आरोपित बल घर्षण बल के बराबर है जितना आप आरोपित बल लगाते हो उतना ही घर्षण बल वहाँ पे लग जाता है जितना आप आरोपित बल लगाते हो उतना ही घर्षण बल वहाँ पे लग जाता है ये स्थिति हो रही है तो याद रखें कभी भी स्टार्टिंग में जो आरोपित बल होता है वो घर्षण बल के बराबर होता है और यही स्थिति होती है जब भी हम छोटे होते हैं और किसी चीज़ को खिसकाने की कोशिश करते हैं आप और बड़े हो गए और बड़े होने के बाद आपने इस बार बल लगाया पंद्रह न्यूटन तो इधर भी पंद्रह लग गया और आप इस बार भी वस्तु को नहीं खिसका पाए फिर आपने और बड़े हुए और इस बार आपने थोड़ा सा बॉडी वॉडी बनाई और उसके बाद आपने जब बल लगाया तो आपकी वस्तु चल पड़ी उसके बाद आप ये देखते हो कि जब आपने 20 न्यूटन का बल लगाया तो आपका ब्लॉक ने चलना शुरू कर दिया तो जब आपने 20 न्यूटन बल लगाया था तो यही जो ब्लॉक है 20 न्यूटन का बल लगने पर इसने चलना शुरू कर दिया अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब 20 न्यूटन का बल लगा के आपने उसको धक्का दे दिया तो वो हमेशा के लिए चलता रहेगा अभी भी जो जमीन है वो उसको रोकने की कोशिश करेगी और अब जमीन किसी ना किसी बल से उसको रोक रही होगी और अभी भी कोई ना कोई घर्षण बल तो लग ही रहा होगा इसको मैं छोटे वाले ऐप से शो कर रहा हूँ क्योंकि बॉल को ऐसे जमीन पर फेंकते हैं बॉल कुछ दूरी पर जाके रुक जाती है किसके कारण घर्षण बल के कारण तो आप ये समझने की कोशिश करो कि दो प्रकार के घर्षण बल थे अपने वाले सीन में एक घर्षण ऐसा था जिसके पास दिमाग था मैं अगर पांच न्यूटन लगाता था तो वो भी मेरे ऊपर पांच लगाता था मैं दस लगा रहा था वो भी दस लगा रहा था मैं पंद्रह लगा रहा था वो भी पंद्रह लगा रहा था और उस घर्षण बल की खासियत ये थी कि उस घर्षण बल जब तक लगता रहा तब तक वस्तु चली नहीं पाँच नहीं चली दस नहीं चली पंद्रह नहीं चली तो जब कोई वस्तु गति की प्रवृत्ति में होती है प्रवृत्ति तो है इसकी जाने की बड़ी चल नहीं रही है तो जब गति की प्रवृत्ति होती है तो जो घर्षण बल लगता है उस घर्षण बल का जो नाम है वो है स्थैतिक घर्षण स्टैटिक स्थैतिक घर्षण तो स्थैतिक घर्षण कब लग रहा था स्थैतिक घर्षण तब लग रहा था जब स्टार्टिंग में आप बल लगा लेते जब वस्तु चल पड़ती है तो चल पड़ने के बाद में जो बल घर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं गतिज घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है कोई डाउट किसी को कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी तो दो प्रकार के घर्षण बलों से मैंने आपको मिलवाया स्टैटिक घर्षण और गतिज घर्षण ग्राफ पे आते हैं वापस से स्टार्टिंग में आपने देखा किस प्रकार का घर्षण था आप आरोपित बल जो आप लगा रहे थे आप अगर पांच का बल लगा रहे थे तो घर्षण बल भी पांच था जब आप छह बल लगा रहे थे तो घर्षण बल भी छह था जब आप दस बल लगा रहे थे घर्षण बल भी दस था इसका मतलब ये इस प्रकार का घर्षण बल था जो खुद को आपके फोर्स के साथ में एडजस्ट कर रहा था और यही था आपका स्थैतिक घर्षण तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये ग्राफ स्थैतिक घर्षण को ही प्रदर्शित करता है उसी के लिए बनाया हुआ ग्राफ है तो स्थिति घर्षण के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज देखी आपने कि यह स्वयं को समायोजित करने की ताकत रखता है समायोजित कर लेता है खुद को आप लगाओगे दस वो भी लगा देगा दस आप लगाओगे पंद्रह वो भी लगा देगा पंद्रह बट उसकी एक लिमिट है लो उसकी अधिक्ता मान, अधिक्ता मान लो उसके अधिकतम मान अधिकतम मान मान लो पंद्रह ही था तो पंद्रह तक तो वो आपके बल का सामना कर सकता है बट अगर आपने सोलह बल लगा दिया Osionfish. तो फिर वस्तु आगे जाएगी फिर उसको कोई नहीं रोक सकता तो जो आपके स्थैतिज घर्षण का अधिकतम मान होता है ध्यान से मेरी बात को सुनना जो आपके स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है उस अधिकतम मान का बाकायदा एक नाम है उसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण जब अधिकतम बल की बात होती है तो सीमांत घर्षण बोलते हैं उसको तो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जो है उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण उसके बाद ये देखा गया है कि घर्षण की वैल्यू थोड़ी कम होती है और फिर घर्षण नियत हो जाता है इसके बाद वस्तु चलना शुरू कर देती है और फिर ये जो घर्षण पिक्चर में आता है ये है गतिज घर्षण गतिज घर्षण समायोजित नहीं होता है गतिज घर्षण खुद को समायोजित नहीं कर सकता वो एक ऐसा घर्षण बल है जो फिक्स होता है जो नियत होता है वो कुछ टॉपिक्स कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है किस पे करता है बताऊंगा बट याद रखें कि वो अपने आप में फिक्स है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर सकता इसकी बात बोलूँ तो सिंपल भाषा में एडजस्ट करना ये खुद को एडजस्ट कर सकता है आरोपित बल के साथ में बट जो गतिज घर्षण है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर सकता आरोपित बल के साथ में ठीक है पंडित अर्पित शर्मा थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट उम्मीद करता हूं बढ़िया सबको समझ में आ गया होगा अब इस बात को और अच्छे से क्लियर करूंगा चिंता मत करो वापस मेरी बात ध्यान सुनो अभी दो तीन बातें और घर्षण बल लगता क्यों है वो देखो घर्षण बल संपर्क सतह है संपर्क बल है वापस सुन लो मोटी मोटी बात घर्षण बल संपर्क बल है मतलब जब तक दो सतह संपर्क में नहीं आएंगी तब तक ये बल नहीं लगेगा दूसरी बात ये बल दो स्थितियों में लगता है कब लगता है ये देखो आप कब लगता है ये बल दो स्थितियों में लगता है पहला जब वस्तुओं के बीच में वस्तुओं के बीच में आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो नोट करो जब वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो अगर वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति है, तो यह बल लगेगा दूसरी बात यह तब लगता है जब वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति हो रही हो जब वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति हो रही होगी तो भी यह बल लगेगा तो यह दो में लगता है पहला नोट करो जब वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो और दूसरा जब वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति हो रही हो तो अगर प्रवृत्ति होगी तो भी ये लगेगा और अगर गति हो रही होगी तो भी ये लगेगा एग्जाम्पल जब आप छोटे छोटे बड़े हो रहे थे उस समय आप उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे थे प्रवृत्ति थी और जब आपने उसको धक्का देके फेंक दिया था जैसे मान लो आपने बॉक्स को सरका दिया आपने बॉल को लेकर के जमीन पे फेंक दिया उस समय गति हो रही है वास्तव में तो उस समय जो आपका घर्षण है ये वाला वो सेकेंड वाला है और ये वाला जो है वो फर्स्ट वाला है अगर गति की जो जो। अगर गति की प्रवृत्ति होती है केवल केवल गति की प्रवृत्ति होती है तो वो होता है स्थैतिक घर्षण उससे स्थैतिक घर्षण निकल के आता है और अगर वास्तव में गति हो रही हो तो उससे जो है आपका गतिज घर्षण निकल के आता है इस बात को फटाफट से नोट करें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और गतिज नहीं गतिक बोलते हैं इसको गतिक काइनेटिक गतिक तो क्या है इसके लिए? गतिक घर्षण गतिज लिख दिया मैंने गतिक है वो ठीक है क कर लेना उसको गतिक घर्षण चलो इसको नोट करो फटाफट फिर आगे बात करते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो हाँ जी तो आपने नोटिस कर लिया होगा आपने समझ लिया होगा ठीक सी चीज़ों को और बढ़िया आपको क्लियर हो गया होगा नोट हो गया बढ़िया चलो आगे बात करते हैं दोस्तों अभी और भी कुछ डिस्कस करना बाकी है तो कब होता है बता दिया मैंने आपको क्यों होता है वो समझो देखो क्यों होता है उसके लिए दो थ्योरीज है एक थ्योरी है आपकी ओल्ड वाली और एक थ्योरी है आपकी न्यू जो आपकी ओल्ड थ्योरी है ना वो अलग है और जो आपकी न्यू थ्योरी है वो अलग है ओल्ड थ्योरी आपकी ये बोलती है कि अगर अपन किसी भी सर्वे से मान लो आपने एक ब्लॉक है चलो इसी को देख लो ना अपन ने ये एग्जाम्पल लिया ही है था। तो इसी को आप देख लो इसी के अंदर अगर आप यहाँ पे जूम करते हैं तो जूम करने के बाद ये समझ में आता है कि दो सतहों के बीच में ऐसे सतह को अगर आप जूम करके देखोगे ना तो ओल्ड थ्योरी कहती है कि यहाँ पे सतहों के बीच में खुरदरापन होता है खुरदरापन जिसके कारण सतह लॉक हो जाती हैं जैसे आप ये मान लो कि जैसे ये खुरदरापन एक सतह का है ये एक सतह का खुरदरापन है ये खुरदरापन दूसरी सतह का है तो ये आपस में क्या हो गई लॉक हो गई अब अगर आप एक दूसरे के ऊपन को चलाने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको घर्षण देखने को मिलेगा स्थैतिक घर्षण वो बिल्कुल ही खिसक नहीं पा रही है इतनी तगड़े तरीके से लॉक हो रखी है और गतिज घर्षण जब वो उसके ऊपर रगस रही है चल रही है उसके ऊपर उस समय भी वहां पे वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वहां पे लॉक हो रहा है वहां पर और आपस में एक दूसरे से दरारों के माध्यम से वहां पे लॉकिंग हो रही है समझियो बात को ये ओल्ड थ्योरी थी न्यू थ्योरी क्या बोलती है न्यू थ्योरी बोलती है कि आपकी जो एक सतह है और जो दूसरी सतह है उनके बीच में छोटा मोटा आकर्षण पाया जाता है उस आकर्षण के कारण पे अपन को उसे तोड़ने के लिए या उसे आप ये बोल सकते हो किस आकर्षण का सामना करना पड़ता है जब भी उन दोनों सतहों को आपस में एक दूसरे के लिए अपेक्षित गति करनी है इसी रीजन से आपको घर्षण बल देखने को मिलता है तो ये कहानी है इस तरह है से घर्षण बल के बारे में बताया जाता है तो जो पुराना वाला, तो पुराना वाला मत है वो उबड़ खाबड़पन के कारण है और जो नया वाला है वो आकर्षण के कारण है तो पुराना जो है वो उबड़ खाबड़पन ऐसे लिखते हैं उबड़ खाबड़पन उबड़ खाबड़पन के कारण है और जो नए वाले थ्री है वो कहती है कि सतहों के मध्य आकर्षण बल होता है उस आकर्षण के कारण है उबड़ खाबड़पन के कारण है और दूसरा आकर्षण के कारण है ये कहानी है तो बताइए क्लियर है समझ में आ गया सभी को अच्छे से कि क्यों क्यों कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कब और क्यों मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया अब आगे मैं और बात करूंगा आपसे और आपने अभी एक और बात सीख ली होगी अच्छे से वो आपने सीखा होगा कि स्थितिक घर्षण का जो अधिकतम मान है वो गति घर्षण के मान से थोड़ा ज्यादा होता है देखो नोट करो यहाँ पे फटाफट देखो बहुत सारी बातें हैं जो आप ऐसे भूल जाओगे तो गड़बड़ होगी इस ग्राफ में आपने एक चीज नोट करी कि जो अधिकतम मान था आपके स्थैतिक घर्षण का उससे थोड़ा कम होकर फिर आपका गतिश घर्षण बना है तो गतिश घर्षण का जो मान है वो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान जिसको हम सीमांत मान बोलते हैं उससे थोड़ा सा कम होता है उससे थोड़ा सा कम होता है बताओ भाई समझ में आ गया और एक और बात सुन लो ध्यान से स्थिति घर्षण और गति घर्षण में और फर्क क्या है कि स्थितिक घर्षण समायोजित कर लेता है खुद को आरोपित बल के साथ में जैसे जैसे आरोपित बल बढ़ेगा स्थितिक घर्षण भी बढ़ जाता है परंतु गतिज घर्षण अपने आप में फिक्स होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते अब मैं उसी के बारे में बात करता हूँ तो घर्षण की आपने दो कैटेगरी देख ली घर्षण की आपने दो कैटेगरी देखी ध्यान से वापस सुनो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा घर्षण की पहली कैटेगरी आपने ये देखी कि जब घर्षण क्यों लगता है जब वस्तुओं के मध्य जब वस्तुओं के मध्य जब वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो दूसरा जब वस्तुओं की सतहों के मध्य आपेक्षिक गति हो रही हो एक तो प्रवृत्ति हो एक हो ही रही हो तो आपेक्षिक गति मध्य आपेक्षिक गति हो रही हो आगे गौर फरमाना यहां पे होता है स्थैतिक घर्षण यहां पे होता है गतिक घर्षण गतिक गतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण जो है खुद को समायोजित करता है आरोपित बल के साथ में देखा था ना आपने ग्राफ के अंदर आप ग्राफ समझ रहे थे तो बढ़ रहा था इस तरह से तो खुद को समायोजित करता है फिर उसका जो अधिकतम मान होता है ये वाला स्थितिक घर्षण का जो अधिकतम मान है उस अधिकतम मान को अपन लोग किसका नाम देते हैं सीमांत घर्षण का सीमांत घर्षण का यह जो अधिकतम मान है यह क्या होता है सीमांत घर्षण और ये क्या है स्थैतिक घर्षण ये स्थैतिक घर्षण है सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होके फिर आपको देखने को मिलता है गतिक घर्षण तो ये आपका गतिक घर्षण है तो जो सीमांत घर्षण है इसको बोलते हैं एफ स्टैटिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन और इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन अर्थात स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान है तो एफ एस मैग्जिम तो मैगजिम के हिसाब से इसको एफ एस एम कहा जाता है और जो गतिक घर्षण है वह आपका होता है एफ के तो एक एक बात को नोट करते चलना एक एक बात को समझते हुए चलना ठीक है बढ़िया आगे देखो तो जो आपका एफ एस एम है जो सीमांत घर्षण है जो स्थिति घर्षण का अधिकतम मान है वो समानुपाती होता है सामान्य प्रतिक्रिया के अब ये मत बोलना सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है एम जी लगता है जमीन की तरफ और संपर्क सतह के लंबत लगता है कैपिटल एन फ्री बॉडी डायग्राम में बताया था तो जो कैपिटल एन था वो यही है यहाँ पे और एफ के जो है वो भी समानुपाती होता है कैपिटल एन के यहाँ पे जो नियतांक आता है वो नियतांक आता है म्यू एस और यहाँ जो नियतांक आता है वो आता है म्यू के तो यहाँ तक फटाफट से बात को नोट करो म्यूएस और म्यू के म्यू एस को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक देखो भाई वर्ड तो टफ है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या बोलते हैं इसको स्थैतिक घर्षण गुणांक और म्यूके को क्या बोलते हैं गतिक घर्षण गुणांक अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आएगा कि सर ये भी समानुपाती है एन के ये भी समानुपाती है एन के फिर ये बड़ा क्यों है ये बड़ा क्यों है इसका रीज़न ये है कि जो म्यू एस होता है वो बड़ा होता है म्यू के से इसी रीज़न से जो एफ़ एस एम है वो बड़ा होता है एफ़ के से अब आप यहाँ तक नोट करो फिर कुछ बच्चे कुछ जगह पे छोटी मोटी गलती करते हैं वो गलती बताता हूँ ताकि फिर आपका दिमाग और अच्छे से इन चीज़ों को लेके क्लियर हो बाकी टॉपिक एक दिन का नहीं है दो तीन दिन चलेगा तो आप और बढ़िया समझ पाओगे हाँ जी तो अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा पॉइंट नंबर वन सुनिए पॉइंट नंबर वन ये है कि बहुत अच्छे बच्चा है यहाँ पे कार्तिक गुजर परफेक्टली हर बात को लिखा है बहुत अच्छे बेटा वेरी गुड बहुत अच्छे तो बात ये है कि घर्षण क्यों लगता है जो पुरानी थ्योरी है वो कहती है कि वहां पे उबड़ खाबड़पन के कारण लॉक हो जाता है इसलिए घर्षण होता है नई थ्योरी कहती है आकर्षण के कारण घर्षण होता है कि भाई सतह एक दूसरे से आकर्षित होती हैं तो उनको एक दूसरे के ऊपर गति कराने में हमें एक बल का सामना करना पड़ता है वो है घर्षण बल घर्षण बल हमेशा गति का अपोज करता है कभी सपोर्ट नहीं करता ये बात ध्यान रखना दो तरह से होता है या तो गति होने की प्रवृत्ति हो तो भी लगेगा या गति हो रही हो तो भी लगेगा गति होने की प्रवृत्ति में स्थितिक घर्षण और गति होने की केस में गतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण समायोजित करता है खुद को आप लगाओ पांच वो लगाएगा पांच आप लगाओ दस वो लगाएगा दस परंतु उसकी भी एक लिमिट होती है तो स्थैतिक घर्षण समायोजित करता है खुद को ओ तो भाई गड़बड़ हो गई हाँ स्थैतिक घर्षण समायोजित करता है खुद को पर उसका भी एक अधिकतम मान होता है जिसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण ये कभी नहीं भूलना आगे बात करते हैं सीमांत घर्षण कैपिटल एन के समानुपाती होता है कुछ बच्चे यही गलती करते हैं वो ऐसे लिख देते हैं कि स्थैतिक घर्षण समानुपाती एन के ये बहुत गंदी बात है ये दुनिया की सबसे गंदी बात है क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है एफ एस समानुपाती नहीं है इनके एफ एस एम है एफ एस एम क्या है आपके स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान वो समानुपाती है इनके ऐसे ही जो गतिज घर्षण है गतिज घर्षण है वो समानुपाती होता है इनके या नियतांक अलग अलग आते हैं इसका नियतांक म्यूएस है स्थैतिक घर्षण गुणांक इसका नियतांक μk है गतिक घर्षण गुणांक ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि μs ज्यादा होता है μk से इसीलिए आपका स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान बड़ा होता है गतिक घर्षण से इसलिए यह बोला जाता है कि fsm ज्यादा है fk से समझ में आ गया सबके कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया से क्लियर है पक्का बढ़िया से समझ में आ गया सब कुछ तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ और इससे रिलेटेड मस्त मस्त टॉपिक्स को बस अपना प्यार बरसाते रहना लाइक कर देना है वीडियो को नए हो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा लो जो घंटी है ना उसको दबा लो और अभी तक भी अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी है तो कर लो क्योंकि नीचे व्हाट्सएप नंबर है उसमें मैसेज करते हैं आपके पास एप्लीकेशन का लिंक आएगा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है लॉग इन एज ए स्टूडेंट आपको करना है और फिर आपको मिलेगा आपके क्लास एलेवंथ का कोर्स जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह मिलेंगे ठीक है इस चैप्टर के नोट्स भी जल्दी वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे जिन बच्चों ने परचेज कर रखा ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेश्स गवाई जैन टेक केयर लाइक जरूर करना